हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृतास हैप्पी टमी। आज हम बनाने वाले हैं अरबी की सब्ज़ी। इस वीडियो में मैंने बाज़ार में जब आप ख़रीदने जाएंगे अरबी तो वो कैसे सिलेक्ट करनी है वो भी दिखाया है और अरबी की सब्ज़ी बनाने की पूरी प्रोसेस भी बताई है। इस रेसिपी में मैंने लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए आप इसको भगवान को भोग लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम रेसिपी। जब आप बाज़ार में अरबी खरीदने जाएं तो इस तरह की अरबी खरीदिए जो पूरी यूनिफॉर्म हो। देखिए इसकी मोटाई हर जगह से सेम है। एक अरबी ऐसी भी आती है जो पतली होती जाती है, ऐसी अरबी नहीं खरीदनी है क्योंकि वो बहुत ही चिपचिपी और अंदर से धागेदार होती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती। अब मैंने मेरी अरबी ट्रांसफ़र की है कुकर के डब्बे में। इसमें मैंने डाल लिया है पानी जिससे कि मेरी पूरी अरबी अच्छी तरह से इसमें डूब गई। इन्हें मैं 2 सीटी लगाकर कुकर में पका लूँगी। जब तक मेरी अरबी पक रही है तब तक मैं बना लेती हूँ मसाला। मसाले के लिए मैंने लिया है पैन जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है और उसमें मैंने डाल लिया 1 बड़ी चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको अब मैं लो फ्लेम पे भून लूँगी। हमें इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक भून लेना है। जब ये थोड़े से भून जाते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा सा स्मेल एरोमा आने लगता है और इनका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैं आपको इनका कलर थोड़ा फोकस कर दिखाती हूँ। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो जो धनिया है वो थोड़ी सी ब्राउन हो गई है और सौंफ भी थोड़ा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक मैंने ये मसाला बनाया तब तक मेरी अरबी जो है वो पक गई थी, तो मैंने उसको अच्छी तरह से छिलका निकाला और छोटे पीसेस में, सर्कल वाले पीसेस में कट कर रख लिया है। तो अब बनाते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है 2 बड़ी चम्मच तेल। गैस को मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पे और इस तेल में मैंने डाल लिए 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा और इन्हें हम अब मीडियम फ्लेम पे रखते हुए ही चटकने देंगे। तो जब तक मेरे जीरा और राई चटक रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं मसाला जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था। तो मैंने मेरा जो मसाला है वो ट्रांसफ़र कर लिया मिक्सर के जार में। इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो मेरा मसाला बन गया है और ये जो जीरा और राई थी वो भी तड़क चुकी है। इसमें मैंने डाल लिया 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और मैंने गैस का फ्लेम को लो रखा है। अभी हल्दी डालते समय गैस की फ्लेम लो रखें, नहीं तो ये जल जाएगा। फिर मैंने हमने पीसी हुई मसाला भी डाल लिया। गैस का फ्लेम मसाला डालते समय भी लो रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। फिर मैंने इसी में डाल ली है अरबी के पीसेस जो मैंने सर्कुलर कट किए थे। मैंने फिर इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1/2 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम नमक खाते हैं तो थोड़ा कम डालिएगा। फिर मैंने ये अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स किया है कि अरबी के जो पीसेस हैं उन पे ये मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए, मेरा जो नमक है वो यूनिफॉर्मली अरबी में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच दही। दही डालने के बाद भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि दही से भी अच्छी तरह से कोट हो जाए। फिर कसूरी मेथी डाल लीजिए 1 बड़ी चम्मच। उसके बाद भी चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने गैस को लो फ्लेम पर रखा है और अभी इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाया और देखिए मेरी अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।